गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस आज वी आर कंट्रीज चैप्टर जिसमें हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हारमोनाइज स्टैंडर्ड ऑब इन हारमोनाइजिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड द नीड फॉर हारमोनाइजिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लीट कर लिया था आज जो टॉपिक हम करेंगे डैट इज कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द करेंसी ट्रांसलेशन मैथड फॉर कंसॉलीडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पहले आप लोगों को मालूम होगा कि कॉन्सॉलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं मान लो हमारी दो कंपनीज हैं जिसमें एक हमारी पेरेंट कंपनी है और एक सब्सिडरी है अगर हमने दोनों कंपनीज के अकाउंट्स जैसे कि उसकी इनकम स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट क्या होती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और हमारी बैलेंस शीट को मर्ज करना हो बैलेंस शीट के फिगर्स को और प्रॉफिट एंड लॉस तो उसके लिए हमें एक स्टेटमेंट बनानी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं कॉन्सॉलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कॉन्सॉलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें शो करता है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पूरी की पूरी कंपनी की और अगर हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की बात करें तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है अपनी पूरी कंपनी की इतना क्लियर कॉन्सॉलीडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी वही कॉन्सॉलीटेड बैलेंस शीट बताती है ओवरऑल फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द ग्रुप अब देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी इंटरनेशनल बिजनेस सीनैरियो में कि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं या इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो कॉन्सॉलिडेशन में क्या प्रॉब्लम आती है वही क्या एक करंसी अलग अलग होती है दोनों कंट्रीज़ की और दूसरा कि जो एक्सचेंज रेट है वो क्या है वो भी अलग अलग होगा तो यहाँ पर जो करेंसी डिफरेंट है कि एक कंपनी मेरी जो पेरेंट कंपनी है वो इंडिया में है और जो मेरी सब्सिडरी है वो यूएस में है इंडिया के अकाउंट के जो रिकॉर्ड हैं वो मैं रुपी में मेंटेन कर रही हूँ वहीं यूएस के मैं USD, US में यूएसडी यूएस डॉलर्स में मेंटेन कर रही हूँ तो जब मैं कंसोलिडेटेड कंसोलिडेट uh, करने लगूंगी अपनी इनकम स्टेटमेंट को और अपनी बैलेंस शीट को तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी क्या मैं रुपये को डॉलर के साथ मर्ज कर सकती हूँ बिना एक्सचेंज करे बिना चेंज करे करेंसी को नहीं तो यहाँ प्रॉब्लम आती है करेंसी ट्रांसलेशन को लेकर कि हमें क्या करना पड़ेगा अपनी सब्सिडरी को अपनी सब्सिडरी जैसे अगर मैंने बोला कि इंडिया बेस्ड एमएनसी है मतलब पेरेंट कंपनी कौन सी है और पेरेंट कंट्री कौन सी है इंडिया सब्सिडरी कहाँ है तो सब्सिडरी कंपनी के जो फिगर्स हैं जो भी हमारे ओवरऑल प्रॉफिट आया ओवरऑल लॉस आया वो हमें पेरेंट कंपनी की करेंसी के साथ चेंज करने पड़ेंगे मतलब जो भी हमारा एक्सचेंज रेट है हमें डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा इतना क्लियर करेंसी ट्रांसलेशन मतलब हमें जो भी हमने जिस भी करेंसी में अपने सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट मेंटेन किए हुए हैं उसे पेरेंट कंट्री पेरेंट कम कंट्री की करेंसी के साथ आप क्या करोगे चेंज करोगे अब जब हम करेंसी ट्रांसलेशन मेथड की बात करते हैं एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है करेंसी ट्रांसलेशन मेथड्स कौन कौन से होते हैं और किस सिनेरियो में हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं तो जब हम करेंसी ट्रांसलेशन मेथड की बात करते हैं तो दो तरह के हमारे करेंसी ट्रांसलेशन मैथड्स होते हैं एक करंट रेट मैथड और दूसरा टेम्परल मैथड करंट रेट मैथड को हम क्लोजिंग रेट मैथड भी बोलते हैं करंट रेट मेथड के अंदर क्या होता है आपको पता होगा एक फॉरेन एक्सचेंज होता है पहले तो फॉरेन एक्सचेंज के बारे में सुनो फॉरेन एक्सचेंज मालूम होगा सबको क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज वो रेट होता है जहां एक कंट्री की करेंसी को हम दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं वो रेट जिसके जरिए हम एक कंट्री की करेंसी को दूसरे कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट कर सकें उस रेट को हम फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं अब करंट रेट मेथड के अंदर क्या होगा जो एक्सचेंज रेट बैलेंस शीट वाली दिन बैलेंस शीट जैसे मैं इंडिया की बात कर रही हूँ मैं एक एग्जाम्पल लेकर चल रही हूँ कि इंडिया बेस्ड एमएंसी को अपने अकाउंट कॉन्सॉलिडेटेड करने हैं इंडिया में बैलेंस शीट कौन सी डेट को बनती है थर्टी फर्स्ट मार्च हर कंपनी की जनरल यही रूल है अभी तक कि थर्टी फर्स्ट मार्च को हमारा क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर होता है तो यहाँ पर क्या करना है हमने करंट रेट मेथड के अंदर जो एक्सचेंज रेट बैलेंस शीट वाली डेट का होगा उस रेट पर हमने क्या करना है अपनी करेंसी को ट्रांसलेट करना है किसके साथ पेरेंट कंट्री की करेंसी के साथ जैसे एग्जांपल लिया था ना यूएस की जो भी हमारी सब्सिडरी uh, है उसके जो अकाउंट बने हुए हैं थर्टी फर्स्ट मार्च को जो एक्सचेंज रेट चल रहा होगा कि एक डॉलर का एक uh, रुपए में क्या कीमत है उस रेट से हम कन्वर्ट करेंगे अपने यूएस सब्सिडरी की करेंसी को क्लियर हुआ करंट रेट मेथड के अंदर क्या है जो रेट जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उस दिन प्रीवेल करेगा उस दिन का एक्सचेंज रेट होगा उस रेट को हम क्या करेंगे चुनेंगे किस लिए चुनेंगे किस लिए चुनेंगे सब्सिडरी सब्सिडरी कंपनी की अपनी अकाउंट स्टेटमेंट को चेंज करने के लिए क्लियर नेक्स्ट आते हैं टेम्परल मेथड जनरली एक ड्रॉबैक थी करंट रेट मेथड की हमने रेट उठा लिया बस थर्टी फर्स्ट मार्च वाला ये एक हमारा हिस्टोरिकल कंसेप्ट काम करता है अकाउंटिंग में वो क्या होता था हिस्टोरिकल कंसेप्ट कि जिस दिन हमने जो एसेट परचेज करी उस रेट पर हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी एसेट्स को या जो भी हमारी ट्रांजेक्शन होती है अब एक प्रॉब्लम आती है कि करंट रेट मेथड को हमारा हिस्टोरिकल कंसेप्ट को गायब ही कर दिया उसने कि हिस्टोरिकल कंसेप्ट ही खत्म हो गया इसकी वजह से तो उसके लिए हमारे सामने आया टेम्परल मेथड टेम्परल मेथड के अंदर क्या होता है हम अलग अल, अलग एक्सचेंज रेट यूज़ करते हैं अपनी जो सब्सिडरी कंपनी है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करने के लिए मतलब हमें हर दिन का ध्यान रखना पड़ेगा मान लो थर्टी फर्स्ट मार्च से हमारा फर्स्ट अप्रैल से थर्टी फर्स्ट मार्च तक का एक पूरा फाइनेंशियल ईयर होता है मान लो कोई एसेट हमने मई में परचेज करी तो मई में भी टेन मई को परचेज करी तो दस मई को जो एक्सचेंज रेट चल रहा होगा उस रेट पर हमने वो वाले फिगर्स को कन्वर्ट करना है सिमिलरली हमने जुलाई में कोई ट्रांजेक्शन करी उस ट्रांजेक्शन को जिस जिस भी उस जिस जिस भी डेट को वो ट्रांजेक्शन हुई थी उस दिन जो भी रेट था उस रेट पर हम क्या करेंगे उस ट्रांजेक्शन को कन्वर्ट करेंगे तो टेम्परल रेट मेथड जो होता है वो अलग अलग एक्सचेंज रेट पर हमारे काम करता है अलग अलग एक्सचेंज रेट की बात करें तो जिस दिन जो ट्रांजेक्शन हुई है उस दिन जो एक्सचेंज रेट होता है उस रेट पर हम क्या करेंगे अपनी करेंसी को अपनी करेंसी अपनी सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स को ट्रांसलेट करेंगे इतना क्लियर फिर एक क्वेश्चन जैसा मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन पूछा जाता है विच मेथड इज बी कौन सा मेथड यूज करेंगे अगर हम जर्नल प्रैक्टिस की बात करें तो हम इनकम स्टेटमेंट को कन्वर्ट करने के लिए इनकम स्टेटमेंट क्या होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम एवरेज एक्सचेंज रेट यूज़ करते हैं एवरेज रेट एक्सचेंज रेट हमारा कैसे निकाला जाता है पूरे साल में हमारा जो एक्सचेंज रेट चल रहा है उसका जर्नल हम एक एवरेज मेंटेन कर लेते हैं उस बेस पर हम क्या करते हैं अपनी सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स को ट्रांसलेट करेंगे अपनी पेरेंट कंट्री की करेंसी में और मैंने क्या बोला अगर जनरल प्रैक्टिस हो तो इनकम स्टेटमेंट तो कन्वर्ट होगी एक एवरेज एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग वहीं जो बैलेंस शीट है वो कन्वर्ट होगी करंट रेट करंट रेट में क्या कर रहे थे जो रेट हमारा बैलेंस शीट जिस दिन बना रहे थे उस दिन जो फॉरन एक्सचेंज रेट था उस रेट पर कन्वर्ट कर रहे थे क्लियर क्या बोला जनरल प्रैक्टिस के अंदर इनकम स्टेटमेंट तो कन्वर्ट होगी एक एवरेज एक्सचेंज रेट के बेस पर वहीं बैलेंस शीट कन्वर्ट होगी करंट रेट मेथड पर क्लियर इतना चलिए जनरली हमारा क्या होता है कि हमें क्या भी करना होता है टाइम टू टाइम अपनी सब्सिडरी के अकाउंट्स को इवेल्युएट करना है कि काम ठीक से चल रहा है या नहीं उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना होता है परफॉर्मेंस को हम कैसे मेजर करते हैं हमारे पास एक ही फंडा होता है हम क्या करते हैं बजट्स बनाते हैं जिसे हम स्टैंडर्ड्स भी बोल देते हैं उसे एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं और फिर एक्चुअल के साथ कंपेयर करके फिर देखते हैं कि क्या डिफरेंस आ रहा है फिर कंट्रोल करते हैं जनरली जब हम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं या फिर हमने अपनी कंट्रोल लगाना है किसी भी चीज़ के ऊपर कि हमारी परफॉर्मेंस सही जा रही है या नहीं जा रही है हमें अपनी सब्सिडरीज के अकाउंट को इवेल्युएट करना है तो पहले तो हमें पेरेंट कम अपनी जो पेरेंट करेंसी है उसके अंदर उसे चेंज करना पड़ेगा तो यहां पर क्या वही प्रॉब्लम आई एक्सचेंज रेट को लेकर कि कौन सा एक्सचेंज रेट यूज करें तो इसके लिए लॉरेंज मॉडल आया लेसड एंड लॉरेंज जिसके अंदर दो बंदे जिसका एक का नाम था डोनाल्ड लेड और एक का नाम था पीटर लॉरेंज इन्होंने इस मॉडल को डेवलप किया और इस मॉडल को नाम दिया लेसड लॉरेंज मॉडल यहाँ पर लेसेंट लॉरेंज ने तीन तरह के एक्सचेंज रेट यूज किए बजटेड जो फिगर्स हैं उन्हें कन्वर्ट करने के लिए और एक्सचेंज जो हमारे एक्चुअल फिगर्स हैं उन्हें कन्वर्ट करने के लिए जिसके अंदर तीन एक्सचेंज रेट कौन कौन से थे नोट करो सबसे पहले इनिशियल रेट इनिशियल रेट क्या होता है एक्सचेंज रेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जैसे मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूँ इंडिया के फर्स्ट अप्रैल को जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा आपका एक्सचेंज रेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर फिर होता है द प्रोजेक्टेड रेट अब मैं फर्स्ट अप्रैल को थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का तो एस्टिमेट एस्टिमेट ही लगा सकती हूँ ना एग्जैक्ट फिगर तो मेरा नहीं होगा कि उस दिन क्या एक्सचेंज रेट होगा तो कर जो प्रोजेक्टेड रेट होगा एक्सचेंज रेट फोरकास्ट फॉर द एंड ऑफ द बजट पीरियड जैसे मान लो मेरा बजट पीरियड ख़त्म होगा इस साल का इस ये साल हमारा स्टार्ट हुआ फर्स्ट अप्रैल 2021 और एंड होगा थर्टी फर्स्ट मार्च 2022 तो एंडिंग डेट कौन सी हो जाएगी थर्टी फर्स्ट मार्च टू टू ज़ीरो टू टू मतलब ट्वेंटी टू में तो यहाँ पर ट्वेंटी टू में जो एक्सचेंज रेट होगा वो हमारा प्रोजेक्टेड रेट एंडिंग रेट क्या होगा जो एक्चुअल एक्सचेंज रेट हमारा निकलेगा ना कि हम जब ट्वेंटी टू में पहुंच जाएंगे और थर्टी फर्स्ट मार्च को जो भी हमारा होगा वो होगा हमारा एक्सचेंज रेट एट द एंड ऑफ द बजटेड पीरियड अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर देखिए ये चार्ट देखिए लेसेड लॉरेंज ने ये हमारे बजटेड फिगर्स हैं ये हमारे क्या हैं एक्चुअल फिगर्स हैं यहाँ पर तीन तरह के रेट हमने लिए हैं इनिशियल projected ending जैसे कि मैंने बताया ना तीन तरह का इनिशियल जो एक्चुअल में इनिशियल uh, डेट को है प्रोजेक्टेड जो हम मानकर चलेंगे कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा ये एक्सचेंज uh, रेट होगा और एंडिंग जो एक्चुअल में हमारा एक्सचेंज रेट आएगा इसी तरीके से ये हमने जो यहाँ पर अगर आप देखो वर्टिकल एक्सिस पर जिसे आप y एक्सिस भी बोल सकते हो जो हमने रेट लिए वो लिए हैं हमने अपने बजट को कन्वर्ट करने के लिए और एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिए हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को कन्वर्ट करने के लिए रेट तीन रेट लिए इनिशियल प्रोजेक्टेड एंडिंग यहाँ भी इनिशियल प्रोजेक्टेड एंडिंग यहाँ पर देखिए फर्स्ट बॉक्स जो है यहाँ पर हमने जो अपना एक्स एक्सिस पर क्या है हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं बजट क्या किया हमने इनिशियल पर करा एक्चुअल भी इनिशियल रेट पर कन्वर्ट किया क्लियर यहाँ पर बजट हमारा कौन सा हो रहा है बजट के लिए ये है और ये क्या है हमारा बजट के लिए ये चल रहा है ना हमारा बजट एट इनिशियल और एक्चुअल हमारा कौन सा है प्रोजेक्टेड ठीक है यहाँ पर बजट हमारा इनिशियल एंडिंग सॉरी है ना नहीं बजट इनिशियल ये ना बजट वाला बजट एट इनिशियल और एक्चुअल एट एंडिंग सिमिलरली बजट एट यहाँ पर प्रोजेक्टेड और इनिशियल एट जो एक्चुअल है वो इनिशियल यहाँ बजट भी प्रोजेक्टेड पर और एक्चुअल भी प्रोजेक्टेड पर यहाँ बजट प्रोजेक्टेड पर और एक्चुअल एंडिंग पर ये देखो यहाँ यहाँ से आता जा रहा है बजट एंडिंग एक्चुअल इनिशियल बजट एंडिंग एक्चुअल प्रोजेक्टेड बजट एंडिंग एक्चुअल एंडिंग तो यहाँ पर हमारे तीन रेट हैं जो सिमिलर सिमिलर हैं बजटेड एट इनिशियल एक्चुअल एट इनिशियल बाकी सारे तो मैच ही नहीं कर रहे ना मै, जो मैच नहीं होता उसको तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते या तो हमारे पास इनिशियल इनिशियल वाले आ गए यहाँ प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड वाले आ गए और यहाँ पर एंडिंग एंडिंग वाले आ गए तो तीन तरह के रेट हैं तो लेसर लॉरेंस ने बोला कि जो हमारा ये वाला मॉडल है ना प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड वाला ये इन्होंने रिकमेंड किया था कि ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है बेस्ट कॉम्बिनेशन किसके लिए बजटेड फिगर्स को ट्रांसलेट करने के लिए एज वेल एज एक्चुअल फिगर्स को ट्रांसलेट करने के लिए आप अगर मैं दो थोड़ा सा इसको समराइज करूं तो बजटेड और एक्चुअल फिगर्स को ट्रांसलेट करने के लिए लेसन एंड लॉरेंज ने तीन तरह के एक्सचेंज रेट दिए इनिशियल प्रोजेक्टेड एंड एंडिंग फिर उन्होंने एक चार्ट के थ्रू समझाया कि हमारे पास तीन तरह की सिचुएशन ऐसी बनती हैं जहाँ एक जैसे रेट होते हैं जब बजट भी इनिशियल बजट और एक्चुअल दोनों इनिशियल पर हो बजट और एक्चुअल दोनों प्रोजेक्टेड पर हो बजट और एक्चुअल दोनों एंडिंग पर हो तो एंडिंग और इनिशियल का तो कोई वो बन नहीं रहा तो प्रोजेक्टेड क्या हो जाएगा एक एस्टिमेट एस्टिमेटेड estimate, हो जाएगा तो इन्होंने रिकोमेंड किया कि जो प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड कॉम्बिनेशन है